मध्य प्रदेश के छतरपुर से बड़ी खबर, जहां बड़ी कार्यवाही पुलिस की हुई है। 46 नामजद सहित 100 से 150 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। कोतवाली थाने में ज्ञापन देने आई भीड़ द्वारा पथराव कर हमले का यह पूरा मामला है। बीते रोज की घटना है। पुलिस ने 46 नामजद सहित 100 से 150 अन्य के खिलाफ हत्या का प्रयास, शासकीय कार्य में बाधा, शासकीय संपत्ति में क्षति कारित करने व अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। देर रात तक यह कार्यवाही चलती रही। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगह दबिश भी देती रही। घटना पर सीएम मोहन यादव ने भी संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बीते रोज समुदाय विशेष के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कोतवाली थाने ज्ञापन देने पहुंचे थे और ये पूरा मामला महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज के द्वारा जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उन्हें लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर ये ज्ञापन देने पहुंचे थे, कार्यवाही की मांग करने पहुंचे थे और FIR दर्ज करने की मांग भी इनके द्वारा की गई थी। और तभी भीड़ उग्र हो गई और इसके बाद उन्होंने जमकर थाने में पथराव कर दिया। इस पूरी घटना में TI कोतवाली सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, यहां तक कि अन्य कई पुलिसकर्मियों को भी पत्थर लगे। एडिशनल SP कोतवाली पहुंचे थे, तभी उन्हें भी एक पत्थर लगा है। पुलिस वाहन और जब्ती में खड़े हुए वाहन जो थाने के अंदर खड़े थे वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। सबसे अहम बात है कि मौके पर SDM, ADM, CSP भी मौजूद थे घटना के समय। तो शहर में प्रशासन फिलहाल अलर्ट हो गया है। देर रात तक पुलिस और प्रशासन ने छतरपुर शहर में फ्लैग मार्च निकाला। DIG, कलेक्टर, SP खुद इस फ्लैग मार्च में मौजूद रहे और अब आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात की जा रही है। फिलहाल छतरपुर शहर में स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। फिलहाल की खबर में इतना ही। जुड़े रहिए बुंदेली दर्पण के साथ। हम यूं ही आपके लिए तमाम अपडेट लेकर हाजिर होते रहेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।